जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, बोले। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक है, कैसे से हैं सर जी? क्या हाल है? ठीक ठाक सर, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। आज ये मेरे ख्याल में मीटिंग में 100 लोगों की स्पेस थी, 100 बंदे पूरे तो सारे दोस्त खैर करिए से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। मैं आप सर मैंने कहा जी के काफी अरसा गुजर गया है, गाँवों से निकाहें नहीं मिली, ठीक है, एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे, एक दूसरे की बातें नहीं सुनी। आज जूम पे आते हैं और सब दोस्तों को देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना लेते हैं, और मेरे उन भाइयों को भी ऐड कर लें जो ये कहते थे कि सीओ बस एक टोपी घुमा रहा है या लॉलीपॉप दे रहा है, ए, उसने फिर काबू नहीं आना, उसने कुछ दिनों बाद ग्रुपों में नजर नहीं आना, उसको भी लिंक सेंड कर देना था कि यार आ जाए मीटिंग ज्वाइन कर लें। सीओ कहीं नहीं गया, अभी 100 लोग तो हो गए ना जी, हम कहीं नहीं गए, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, बातें तो बहुत होती रही है, ज्यादा टाइम नहीं लेना मैंने आपसे, ठीक है, मुख्तसर सी बातें करेंगे, जामे करेंगे और वो करेंगे जो करेंगे, ठीक है। तो पहले भी वही कुछ किया है, जो वही कुछ कहा है जो किया है, ठीक है। बाकी इंसान है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, ठीक है। कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, कुछ हम जैसों से हुई हैं, ठीक है, कोई उन जैसों से हुई हैं, बस ये गलतियां होती रही हैं। और वो गलतियां होते होते एक पहाड़ बन गया और एक बहुत बड़े मसले मुसाइल का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो मीटिंग में आप में से कोई ना कोई बंदा रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, ठीक है, ये तो होना ही है, ठीक है। बाकी इस मीटिंग में जितने भी दोस्त आए हैं, सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ना बहुत सारे लोगों की, दोस्तों की कॉल आती हैं, मैसेजेस आते हैं, जिनकी वजह से ना मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। अभी भी मुझे 144 कॉल आई हुई है और 2700 कोई मैसेज है, ठीक है। हर बंदे को रिप्लाई नहीं होता, एक ही बंदा है मैसेज मोबाइल चलाने वाला, ठीक है, इस वजह से सबकी कॉल्स रिसीव नहीं होती या सबको रिप्लाई नहीं किया जाता, इसलिए आज मैंने जूम मीटिंग अरेंज कर ली कि जूम पे बात कर लेते हैं आप सब दोस्तों से, ठीक है, चले भी देख लेंगे। अच्छा भी दोस्तों, जो भी हमने काम शुरू किया 19 अगस्त से, ठीक है, तो आज जिस कंडीशन में इस लाइन पे, तो सुन लें जी, जो भी बात होगी वो मैं बाद में भी आपको वॉइस मैसेज भी कर दूंगा, बात सुनिए, ठीक है। जो हमने 19 अगस्त 2020 से सिस्टम का आगाज किया और आज जिस कंडीशन में खड़े हैं, जिस लाइन पे खड़े हैं या जिस बॉर्डर पे खड़े हैं, हमने इस मकसद के लिए सिस्टम का आगाज नहीं किया था, ठीक है। ये चीजें जिंदगी का हिस्सा बनी, जिंदगी में आ गई, हमारी वजह से, मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है, घरों बेघर हुए, रोजगार खराब हुआ, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, जो एक इज्जत बनी हुई थी उस इज्जत नफ्स में भी बहुत सारी लोगों ने हरासमेंट की, ब्लैकमेल किया, ठीक है। ये सिस्टम हमने इसलिए इसको नहीं बनाया था कि आपको ये वक्त, हमने सबकी आसानियों के लिए और खुशियों के लिए ही प्लेटफॉर्म डिजाइन किया था, लेकिन खुदा की करनी ये मसले मुसाइल आए और मसले मुसाइल हमारे सामने खड़े हो गए और हम मसले मुसाइल के सामने खड़े हो गए। वो अभी भी दो चार कर रहे हैं, निगाहें पैवस्त हैं, ठीक है, और अल्लाह की जात से, अल्लाह की तरफ से मसले मुसाइल आ जाते हैं, लेकिन हल इंसान ही करते हैं और मिल बैठ के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, एक सोच करके करते हैं, इतिहाद से, यकीन से, तंजीम से हर चीज मुकम्मल होती है। तो ये मसले मुसाइल आए, इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मेरी
वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, कुछ लोगों ने मेरे भी हाथ पे मेरे नाम पे, मेरी वजह से अपने कुछ रिश्तेदारों की, कुछ दोस्त अहबाब की, कुछ इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई। तमाम दोस्तों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ आप तमाम दोस्तों से, मैं शर्मिंदा हूँ, बताते खुद शर्मिंदा हूँ, ठीक है। तो लेकिन इन मसलों को हल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी कुछ लोग ये पीछे से आवाज आ रही है, या तो फिर सारे म्यूट कर ले या फिर तरह सुन ले। दोस्तों माइक बंद कर दो, आप म्यूट कर दें, आप होस्टेस और सबको म्यूट कर दें। मैं म्यूट इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पता चल रहा है कि आवाज का माइक माने यार बंद कर दे, ठीक है। बहुत लोगों को समझ। अच्छा जी, ये मसले मसल बने, सबसे पहले तो मैं इस पे आप तमाम दोस्तों से माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये आपको दिन देखने पड़े, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हरासमेंट हुई, ब्लैकमेल हुए, लोगों ने गालियां दी, जो कुछ लोगों से हुआ, ठीक है। और मुझे भी बहुत कुछ लोगों ने कहा, जो आपको मैसेजेस आते हैं वो समझ लें कि वो आपको 10-20 लोग करते हैं, मुझे 10-15 हज़ार लोग करते हैं मैसेजेस। जिन लोगों ने अच्छा कहा उन लोगों का भी भला हो, अल्लाह उनकी भी खैर करे, और जिन लोगों ने बुरा कहा या गालियां दी या इल्ज़ामात लगाए या बुहतान लगाए या झूठी सीधी स्टोरियां घड़ी उन्होंने, अल्लाह पाक उनका भी भला करे, उनको भी हदायत दे और उनको भी कामयाब करे नेक मकासद में, ठीक है। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, किसी ने अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, किसी ने बुरे लफ्ज़ों में याद किया, जैसा आपको मार्केट से बिहेव मिला अपने ऊपर भी उसी बिहेव से ट्रीट किया हर किसी को, ठीक है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ। बाकी कुछ शैतान लोग होते हैं, ठीक है, वो हर जगह पे पाए जाते हैं, कुछ मुनाफिकीन भी होते हैं, ठीक है, वो सफ़ों में पहली सफ़ों में आकर नमाजें भी पढ़ते हैं, सारा कुछ ही होता है, ठीक है। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये फितरत है, कानून फितरत है, ये होता रहना है, होता आया है और होता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे दुश्मन दोस्त बने और दोस्त बने के उन्होंने बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाए, ठीक है। और अभी भी आप लोगों के दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है, जो आपको बरगला रहे हैं, कुछ हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से मनगढ़ंत झूठी स्टोरियां सुनाते हैं, झूठी स्टोरियां सुना के अपनी दुकानदारियां चमका रहे हैं। कुछ लोग हमें अच्छा कह के दुकानदारियां चमकाएंगे, कुछ लोग बुरा कह के चमकाएंगे, ये होता रहा है। किसी को अच्छा कहेंगे फिर भी इंसान की इज्जत में इजाफा हो जाता है, किसी को बुरा कहेंगे वो कहता है वाह जी वाह ये बुरा कह रहा है इसकी इज्जत करो, ये चीज़ें आती हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश तमाम दोस्तों से इतनी है कि जो लोग इस टाइम आपको बरगला रहे हैं, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि भाई ये स्कैम हो चुका है, या जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पैसे नहीं देंगे, या कुछ लोग आपको गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे भाइयों उनके पीछे नहीं लगना। किसी के साथ स्कैम नहीं हुआ, किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ, सबको पैसे वापस मिलेंगे। अभी डेट भी दूंगा, उस डेट के क्या होगा वो भी सारा डिस्कस करूंगा। ऐसे लोगों से एहतियात करनी है, ऐसे लोगों को पीछे नहीं लगना। अगर कोई बंदा आपको बरगलाने की कोशिश करता है उसको शट अप कॉल दिया करे, अपने अंदाज में दिया करे, ठीक है। दावत दी है आपको, किसी ने आके मीटिंग ज्वाइन करनी है आपने, यार सीओ साहब को बात करने तो यार आप लोग खामोश रहो, जो भी हो खामोश रहो यार, खामोशी से सुनो। टके की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन लोगों की बातें करते हैं, पहाड़ बांध देते हैं बातों के। जो लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा खाया उन्होंने है,
और मैं किसी के स्टोर का नहीं ओपन कर रहा, मैं किसी को बता नहीं रहा किसने कितने कितने खाए हैं देने के लिए। कल्ला सीओ है इस टाइम आपके साथ, सिर्फ सीओ मीटिंग कर रहा है और किसी ने नहीं की। हर बंदा कोई कहता जी आओ जी रिट पिटीशन दायर कर लेते हैं, कोई किसी पासे कोई किसी पासे, हर बंदा दुकानदारी चपकाने के चक्कर में है। कोई एक बंदे की मैंने सुनी जी वो रिट पिटीशन दायर कर लें, मैं फलां एडवोकेट हूँ, फलां हूँ, फलां हूँ, फलां हूँ, वो भी बेचारा चार छह लड़खाने के चक्कर में है। जबरदस्त तरीके से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात समझे यार मेरी, ठीक है। जिसने टू द पॉइंट आना है वो मीटिंग लेफ्ट कर जाए किसी और को जगह। अच्छा जी बात ये कर रहे थे कि जो मसले मसाइल बने हैं, माजरत खाऊं, शर्मिंदा हूं इन तमाम मामलात से। इन मामलात के लिए हमने सिस्टम को डिजाइन नहीं किया था, इन मामलात के लिए हमने अपना नाम नहीं दिया था या अपनी आवाज नहीं दी। पैसे कमाने के तरीके और भी बहुत हैं, अगर कमाने होते तो और तरीके से भी कमा लेते। बहुत सारे लोग जहन्नम की दोजख की पता नहीं क्या क्या स्टोरियां सुनाते हैं, अल्लाह उनका भला करे। भाई 100 बंदा पूरा हो गया, हर चीज याद है, मुसलमान है वो तो पांच रहे, जो चीज का सच कर रहे हैं उसका सब। हमें मरना भी याद है, हमें कयामत के दिन का जो इम्तिहान देना वो भी याद है। मैं रिकॉर्डिंग को सारी कर रहे हैं, मैं ग्रुप के विच फॉरवर्ड कर दियांगा, और अगर कोई और दोस्त भी नाल अटैचेगा तो वो भी सेंड कर दी। सलमान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं कैसे, तबीयत कैसी है? हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सलमान साहब बात कर रहे हैं जी। तो ये मामला सारे बने हैं जी, ठीक है, देने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। आज भी आज आपके सामने अकेले ही हूँ, ठीक है। तो जिन दोस्तों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी उन्होंने भी साथ नहीं दिया वक्त आने पे। मामला बन गए हैं, मामला को हल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 20 फरवरी से फाइनल डेट है, मंडे का दिन बनता है। 20 फरवरी से अपने इन्वेस्टर्स को हम पेमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, और पाकिस्तान की तारीख में पहली आरओआई कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट प्लान होगा जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट रिटर्न कर ली। ये लिख ले मेरी रोज सोमवार अपने इन्वेस्टर्स को हम पेमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, और पेमेंट देने का हमारा तरीकेकार क्या होगा, बैंक अकाउंट में पेमेंट देंगे हर बंदे को। जिस बंदे को पेमेंट आएगी उसको एक दिन पहले कॉल आएगी, ठीक है, उससे बैंक अकाउंट लिया जाएगा, उस बैंक अकाउंट में सेकंड डे पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी। और उसका तरीकेकार क्या है कि एक आप हमें बयान हलफी लिख के देंगे, आप क्या करेंगे कचहरियां जाएंगे 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लेंगे, उसको बयान हलफी भी कहते हैं, एफिडेविट भी कहते हैं, आप लिखेंगे उसका एक मवाद हम आपको दे देंगे लिख के। वो मवाद क्या है कि मैंने 3 जीनियस नेटवर्ल्ड या क्यू वर्ल्ड के साथ या कासिम संधु के साथ या इनके किसी टीम लीडर के साथ इन्वेस्टमेंट की, और इतनी मैंने इन्वेस्टमेंट की, इतना टाइम ड्यूरेशन हुआ, और आज मैं अपनी पेमेंट मुकम्मल तौर पर वसूल कर चुका हूँ। इनसे या इनकी किसी भी फैमिली मेम्बर से मेरा कोई लेन देन नहीं है। इस तरह की एक तहरीर होगी, वो तहरीर लिखेंगे, अंगूठा साइन करेंगे, और उस तहरीर को हाथ में पकड़ के एक वीडियो बयान बनाएंगे। वो वीडियो जो लिखा होगा उसके ऊपर वही आप बोलेंगे, बोल के वो हमें सेंड करेंगे, हम आपको पेमेंट देकर टोटल जीरो कर जेन्युइन रकम क्लियर करेंगे सब इंशाल्लाह। 20 फरवरी से हम अपनी पेमेंट का विड्रॉल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और वो लोग अच्छा यहाँ पे और वो लोग जो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हैं, किसी भी रंग के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किसी और अंदाज में कर रहे हैं, कोई भी रंग इख्तियार किया हुआ है, मैं उनको पेमेंट नहीं दूंगा। सीधा आलन अलान मेरा ये मैं कह रहा हूं कि जो बंदा हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है या वो किसी की पॉलिसी का हिस्सा बना हुआ है या उनके ग्रुप का हिस्सा है, तो मेरी तरफ से पेमेंट की उम्मीद ना रखे, मैंने नहीं देनी, मर गए, ठीक है। जिस बंदे को यकीन है उसने कासिम संधू के साथ बिजनेस किया है, कासिम संधू से उसको पेमेंट मिलने की उम्मीद है, उसको पेमेंट वापस मिलेगी। जिसने कोई भी हथकंडा इस्तेमाल किया किसी भी खाक किसी भी रंग का हो, इसमें आप समझ ले जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया मेरी तरफ से उनको पेमेंट नहीं जाने। वेरी गुड हो गया सर, वेरी गुड। दो बंदे अभी तक हमारे ऊपर यकीन कर रहे हैं, उन्होंने सबर किया है, मामलात को फेस किया है,
ठीक है, मामला को फेस कर रहे हैं, 20 फरवरी से हम उनको पेमेंट देना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हम तो कहाँ बैठे हैं, आपको खबर है कहाँ बैठे हैं हम लोग, हमारी तो बहनें हमारे घर में आके बैठी हुई है। फिलहाल शहजादे ताहर साहब, ये बातें करने के लिए मैंने आज की मीटिंग अरेंज नहीं की, आपको डेट देनी थी, मैंने आज डेट दे दी है, 20 फरवरी से पेमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जो बंदे किसी भी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें मुलव्वस हैं, उनको हम पेमेंट नहीं देंगे। बोस यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दें, यहाँ पे जो ओरिजिनल अमाउंट हम रिटर्न करेंगे और हर बंदे के बैंक अकाउंट में जाएगी, जो बैंक अकाउंट की स्लिप होगी वो हमारे पास सलामत रहेगा, और उसके बाद हम एफिडेविट भी लेंगे, एक वीडियो बयान भी देंगे, नए इन्वेस्टरों को पहले देंगे, छोटों को देंगे, इसका क्या है सर? छोड़ें, ये हमारी तरतीब है, हम किस तरतीब से दें, हमने सबको देनी है, अपनी तरतीब से देंगे। अच्छा कासिम साहब, यहाँ एक चीज और क्लियर कर दें, जो लोग लीडर्स को थ्रेट दे रहे हैं, उनके घरों पे जाके हथकंडे कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा क्लियर कर दें। मैं वो साफ सीधी बात कह चुका हूँ, जो किसी के घरों पे गए हैं, किसी ने ब्लैकमेल किया, उनका रिकॉर्ड सेंड करें, कॉल हमने करनी है, पेमेंट हमने भेजनी है, उसका रिकॉर्ड दें, उसका नाम दें, उसको पेमेंट हम नहीं भेजेंगे। उसे कहें कि फिर वो वैसे ले ले जिस तरीके से वो लेना चाह रहा है, फिर देखते हैं वो ले लेता है, ये भी देख लेते हैं सर। जिनके शेयर्स में लगे हुए हैं सबको मिलेगी, शेयर में लगे हैं या आपके इन्वेस्टमेंट में लगे हैं या आपके ऑयल में लगे हैं या आपके पेम्पर में लगे हैं, जैसे भी लगे हैं सबको पेमेंट मिलेगी, ठीक है? जो आपका आज टाइम नहीं है, मैंने अनाउंसमेंट देनी थी आपको। नहीं अवे साहब आपसे एक बात करनी थी कि आप ये बोल रहे हैं कि हल्फिया बयान दें, आप लिख के दें या जो भी, आप इसकी थोड़ी डिटेल दे दें, क्योंकि आप पेमेंट पहले वो करेंगे। डिटेल हम आपको, वो डिटेल हम आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे बयान हल्फी का, वो मवाद आप तहरीर करवाएंगे जाके कचहरी से, उस तहरीर के नीचे आप अपने साइन करेंगे, अंगूठा करेंगे, अपना सी एन ए सी नंबर लिखेंगे, और जिस बैंक अकाउंट लिखेंगे वो एक मुकम्मल तहरीर आपको लिख के भेज देंगे, अपने उसी तहरीर के मुताबिक हमें बयान हल्फी देंगे। अवेश भाई आपसे बस ये पूछना है कि हमें आप बैंक में जब अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, एक तो वो लीडर्स को करेंगे या डायरेक्ट इन्वेस्टर को करेंगे? मैडम ये अपने आप अपने सीनियर से बात करें ना, इस तरह की क्लाइंट को आएगी, जिस बंदे की, जिस इन्वेस्टर की, हमारी बहन की इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी। और तरजीह उन अकाउंट को दी जाएगी जिनके नाम की स्लिप या स्टाम्प पेपर होगा, उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? एक चीज क्लियर कर, बहुत सारे लोगों के बैंक बाकी जो आपको बरगला रहे हैं, ठीक है, या आपको वो गलत रास्ता इख्तियार करने की कह रहे हैं, ठीक है, अगर किसी का दिल करता है। एक बात आपसे पूछनी है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। बात सुने, जो आपको बरगला रहे हैं, गलत रास्ते इख्तियार करने के लिए कह रहे हैं, बेशक उनकी सुन लें। अगर बरगला रहे होते तो हम आपके सामने नहीं बैठे हुए होते, हम आपके पीछे ही हैं, जैसा आप कह रहे हैं, रोकता किसी को आ रहे हैं, ठीक है? वो आपका, वो आपके अपने इख्तियार में है, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे ये बता दें कि एफिडेविट हमें कोई भी इन्वेस्टर पहले नहीं लिख के देगा जब तक आप उनको पेमेंट बैंक में नहीं भेजेंगे। आप सीधी सी बात समझे, आप भी बिजनेस मैन है, हम भी आपके साथ कुछ सीखे हैं, आप थोड़ी सी बात नहीं। मैं अभी मैंने ये कहा है कि एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, वो बाद में देंगे ना, देना आप पड़ेगा। वो अभी मैंने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की, डेट बताई है, ठीक है, उस डेट के मुताबिक वो मैंने बताया कि जब हम पेमेंट रिटर्न करेंगे उसके बाद हम आपसे ये चीजें वसूल करेंगे। गोल्ड पे वाले से क्या कहेंगे, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट है, एफिडेविट आप पेमेंट के बाद ही आप ये कह रहे हैं कि एफिडेविट हम बात देखेंगे। सवाल जवाब ना करें, बात समझें, सवाल जवाब सुनेंगे तो 100 मिनट चाहिए। 20 तारीख तो संडे है, आप मंडे बोल रहे हैं, 20 तारीख तो संडे है, क्या कर लें? 20 फरवरी कसम भाई संडे है, कोई बात नहीं, मंडे हो जाएगा यार। संडे बनती है 20 को? जी बॉस, 20 को संडे, 20 को
यस बॉस। अब मेरे पास फिर 20 को मंडे आ रहा है, 20 फरवरी सर, 20 फरवरी देखें सर मेरे कैलकुलेटर में मंडे फरवरी 2022। अस्सलाम वालेकुम सर, सर गोल्ड का थोड़ा बताएं, कैलकुलेटर में मंडे आ रहा है आपके, एक दिन आगे ही आता है, कैंसिल नहीं लेनी चाहिए वो। मैं बात समझ गया हूँ आपकी, आपका दिन डेट का और दिन का फर्क है, एक दिन का फर्क है। मेरे पास 20 को मंडे आ रहा है, आपके पास संडे आ रहा है। कासिम भाई एक मेन क्वेश्चन है, क्या आप एक्चुअल अमाउंट वापस देने जा रहे हैं या उनका क्या करेंगे? वो अपना रिश्तेदार का अकाउंट दे दें, जो अकाउंट देंगे वो बयान हल्फी के ऊपर मेंशन होगा। जो आपने कासिम संधु को पैसे दिए हैं वो वापस मिलेंगे, जो आईडी सिस्टम है जिस कंपनी में भी दिए हैं। कुछ लोगों के पास क्यूवर्ड की पेमेंट के स्टाम्प और इनवाइसेस वगैरह मौजूद नहीं है, उन लोगों को कैसा वो लोग आपको कैसे बताएंगे कि उनकी पेमेंट आपको स्लिप किस तरह जाएगी? ये अब हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपका, किसके पास स्टाम्प पेपर है और किसके पास नहीं है। ठीक है, इसकी तरतीब बना लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका जवाब नहीं है। सर गोल्ड का क्लियर करें सर, गोल्ड का कैसे रिटर्न होगा? मैं कह चुका हूँ कि जो पैसे मेरी वजह से या मुझे दिए हैं, मेरे सिस्टम को दिए हैं, कासिम संधू के नाम पे दिए हैं, वापस मिलेंगे जो जितने भी। कासिम भाई कासिम, पाकिस्तान में स्टाम्प बंद हो रहे हैं, उसका क्या सीन है? स्टाम्प नहीं मिलेंगे, कोई नहीं आपको स्टाम्प मिलेगा जब बंद हो जाएंगे फिर देखें। ठीक है, अब मेरी बातें सारी समझ आ गई हैं, और आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, आपका जाती हक है। ठीक है, अगर आप कोई भी तरीकेकार हथकंडा इस्तेमाल करने करना चाहते हैं, गोल्ड का थोड़ा सख्ती बता दे किस तरह होगा। तो भाई थोड़ा बात समझ लो, आप समझ मेरी बात सुन लें, आप सुन लें, आप कोई हथकंडा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक सच चीज मालूम करनी थी सर, आपका जाती हक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पेमेंट देंगे, जो लोग किसी भी चीज में मुलव्वस होंगे उनको नहीं मिलेगी। 21 फरवरी से ब्रोज मंडे आपको पेमेंट स्टार्ट इस तरीके से आएगी सर, थोड़ा क्लियर कर दें सर। तमाम मामला के लिए आप क्या पूछा जी? आप तमाम मामला के लिए आपसे कॉन्टेक्ट करने, मेरे से हो रहा है, कह रहा हूँ जितने भी मामला है 20 के बाद उसी हो रहे हैं, आपसे कांटेक्ट मेरे से हो रहा है सर। आपने बोला था कि जो ठीक है जिन लोगों, बाकी अपने लीडर से करें कांटेक्ट, अपने लीडर से करें। ठीक है सर, मामला है जो मेरी समझ में नहीं है वो आप अपने लीडर से करें। जिन लोगों की अमाउंट है छोटी है और लास्ट में लगी थी उनको पैसे वापस करेंगे, तो जिन लोगों की अमाउंट है लास्ट में लगी थी तो वो लोग हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो काइंडली अगर जिन लोगों की अमाउंट लास्ट में लगी तो पहले वापस की जाए, ताकि वो मामला फिजिबिलिटी बन जाएगी, सारी फिजिबिलिटी बन जाएगी, जब देंगे सबको मिक्स करके देंगे, टेंशन ना लें। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन का टाइम अब खत्म हो गया है। ठीक है, मेन चीज आपको अनाउंसमेंट देनी थी मैंने, ठीक है, बाकी जो लोग आपको बरगला रहे हैं उनको खामोश करवाएं भाई, अगर आपके पास पेमेंट है आप काम चला देंगे नहीं, और सबको वापस करेंगे, और हम नहीं देनी है। सर गोल्ड की जो आईडी पे सेल लगी है उसके रिटर्न कैसे करेंगे जी? गोल्ड की आईडी पे जो सर लगी उसका रिटर्न कैसे करेंगे? ये मैं सवाल ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, गोल्ड की आईडी जो बंद हो चुकी है उसके बारे में बता दें। ले जी, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, इंशाल्लाह 21 फरवरी ब्रोज सोमवार। एक आखिरी चीज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कासिम भाई ये जो आईडीज है वो तो चला देना काइंडली, आईडी जो बन जा शो हो रही वो तो चला देना। दादे वो मैंने एक ग्रुप में टाइप करके मैसेज किया था, कुछ लीडर्स को भी किया था, उनसे सुन लें क्या मैसेज किया था।
जी कासिम भाई, मियां काशिफ साहब फैसलाबाद से, मैं उनके रेफरेंस से बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे। अच्छा कासिम भाई, ये भाई ने अभी बड़ी सिंपल सी बात की थी लास्ट की है ना, कि जो बेचारे लाइक मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था, मिक्स करके सबको मिलेगी, तो कोशिश कर लिए करें कि मिला। भौजी बिलकुल बिलकुल बहुत ऐसे ही ऐसे ही है, पेमेंट भी अभी सारे की वापस करनी है, जो वर्ग शरीफ भरा ने उन्होंने अभी देंगे, फिलहाल आपको पैसे वापस करें, आपकी जिंदगी आसान करें। मैं दुबई आ रहा वा, मुलाकात हो चलो पाकिस्तानी हो जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, डॉक्टर फियाज के रेफरेंस से अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप?